उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उन्हें सीएम पद की पेशकश पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिसोदिया पर बड़ा बयान दे डाला। विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, मनीष सिसोदिया को लेकर हमने पार्टी को गंदा नहीं करना है। विज ने सिसोदिया के ट्वीट पर कहा कि ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है, ये बताने का कि मुझे पार्टी में ले लो और मेरा केस वापस ले लो। विज ने सिसोदिया पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि मनीष सिसोदिया बताएं कि उन्हें सीएम बनने का न्योता किसने दिया, किसने उन्हें बुलाया, किसने उनसे बात की। आखिरकार सिसोदिया उप मुख्यमंत्री है, किसी ऊंचे कद का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, लिहाजा सिसोदिया बताएं कि उन्हें किसने बुलाया। विज ने फिर दोहराया कि सिसोदिया खुद से सुझाव दे रहे हैं कि मेरे केस माफ कर दो और मैं बीजेपी में आ जाऊंगा, लेकिन हमने भाजपा को गंदा नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, मनीष सिसोदिया को लेकर कोई पार्टी को गंदा थोड़ा करना। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ़ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है, जहाँ बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, किसने करी उसका बताएं। ये तो सुझाव दे रहे हैं कि भाई मेरे केस माफ़ कर दो और मैं बीजेपी में आ जाऊँगा, लेकिन हमने भाजपा को गंदा नहीं करना। बात यह है, मेरा एक दोस्त होता था, वो जब एग्ज़ाम देने जाता था तो प्रश्न कोई भी पूछो वो माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखाता था, क्योंकि उसको उसके सिवा कुछ आता नहीं था। बात तो हो रही है भ्रष्टाचार की, बात तो हो रही है एक्साइज पॉलिसी की, आरोप लगाए जा रहे हैं एक्साइज पॉलिसी के, उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे, और कभी शिक्षा नीति की बात करते हो, कभी स्वास्थ्य की बात करते हो। राहुल गांधी जी खुद ही विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वहाँ पर ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, तो पकड़ तो हमारी सरकार ही रही है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है तो पकड़ी जा रही है, कोई दूसरी प्रदेश की सरकार तो आके नहीं पकड़ रही, कोई बाहरले देश वाले तो नहीं आके पकड़ रहे, हम ही पकड़ रहे हैं, हमारी सरकार पकड़ रही है, क्योंकि हम ड्रग्स के पूरी तरह से खिलाफ़ हैं और हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं।